मुझे ये बताओ कि साइकिल का ओके ना, बस बस हाँ बस ठीक है ये मुझे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ कैसे? घर पे तो सब ठीक है ना? तुम हमारे घर में इतने दिन डेरा डाल के बैठ सकते हो, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे घर? नहीं आ सकती हो, क्यों नहीं आ सकती? आओ चाय पिलाओ तुम। नहीं, मौसम अच्छा है ना आज? नहीं आज तो काफी काफी धूप नहीं निकली भी। नहीं अच्छा मौसम है मेरे लिए, यही अच्छा होता है। हाँ मौसम तो आज बहुत अच्छा है, वाकई सही कह रही। लॉन्ग ड्राइव पे चलो। क्या तुम मेरे साथ जाओगी लॉन्ग ड्राइव पर? ठीक तो हो ना, तबीयत तो खराब नहीं है तुम्हारी? हाँ। तुमने कहा ना मुझसे मोहब्बत करते हो, तो मोहब्बत करने वाले तो बहाना ढूंढते हैं साथ रहने का। लेकिन तुम्हारा मुझे पता है, तुम तो बस ये सोच सोच के डर रहे हो कि कहीं मेरे पापा हम दोनों को साथ ना पकड़ लें। अरे अमल ऐसी कोई बात नहीं है, हम चौधरी लोग हैं, पैदाइशी नडर होते हैं। बस तुमने कह दिया है लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो दोपहर को जाना है लॉन्ग ड्राइव। आ जाओ ये देखो चाबी भी मेरे पास है, आ जाओ। चले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ ना आप पहले प्लीज आओ। इधर इधर जी सॉरी। जामी वो लोग घर से रवाना हो गए हैं। ओके म्यूजिक लगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं वैसे भी बस पहुंचने वाले हैं। अच्छा एक तो तुम बता नहीं रही हो कि हम जा कहां रहे हैं। ये बस अभी आने वाले आगे से लेफ्ट लेना। यहां से? हाँ। या अल्लाह खैर करे, आज तू जलाल तू आई बना को टाल तू, या अल्लाह हमारा प्लान कामयाब बना दे। आमीन। चलो चलो चलो, फोन उतरेगा फिर, जल्दी उतर जल्दी। अमल ये कहाँ ले आई हो तुम? कहीं दोबारा से किडनैप करने का इरादा तो नहीं तुम्हारा? नहीं नहीं तौबा तौबा, पहला वाला ही भुगत रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अरे ये कौन कार्टून है बीच में डांस कर रहे? हाँ मैं देख के आती हूँ। अमल तुम कहाँ जा रही हो? अमल कहाँ जा रही हो? अमल सुनो सुनो, तैयारी के साथ आना। ओके अजान गुंडे और यकीनन इनके पास असला भी है, और यकीनन ये चलाएंगे असला पहले और सोचेंगे बाद में। उतरो उतरो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा हुआ याद दिला दिया, हमारे पास तो गन भी है। अरे लड़की की तरह बहादुर बनो, क्या डरपोक की तरह अंदर बैठो, बाहर निकलो। ये कौन सा तरीका है भीख मांगने का? चलो ये रखो, आओ मैं। हम लोग बेकार ही नहीं है, अगवा कर रहे हैं अगवा। अरे चाहिए क्या तुम लोगों को? हमें तो लड़की पसंद है, हमें वही चाहिए। क्या बोला तूने? हमें लड़की पसंद। लड़की? जबान संभाल कर बात कर, जिंदा ही गाड़ दूंगा तुझे यहाँ पे। हमारे पास गन है, गन। हाँ और इसकी गोलियां जो है ना चलती नहीं है, उड़ के लगती है। गन के बच्चे। अमल तुम जाके गाड़ी में बैठो, मैं देखता हूँ लोगों को। तुम्हें जाना है तो जाओ, लड़की कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। लड़की की तरफ आग भी उठाकर देखा ना तो तेरा बैट अलग हो जाएगा, मैन अलग हो जाएगा। अजान 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 रुको, वो पुलिस मिला। अजान रुको मेरी बात सुनो, ये जो है ना अजान। अरे ये तो वो सिंगर भाई है। अरे कैसे हो, पहले क्यों नहीं बताया? ये कब से शुरू किया तुम लोगों ने? हम तो आला उमदा पुख्ता मयारी शख्स है, ये प्लान तो इनका था। इनका था। वो अमल तुम मुझे यहाँ लाई थी मरवाने के लिए? नहीं अजान ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली यही बात है।
अच्छा, जब भी तुम मुझे वीराने में लेके आई हो, आई सी, इन कराए के गुंडों के हाथों मेरा पत्ता साफ करवाना था तुम्हें। नहीं इस्लाम, तुम मेरी बात सुनो, वो लगता है क्लाइमेक्स आ गया। आइए, वेलकम। तो इस सारी साजिश में आप भी शामिल थे। वेरी गुड यार। इनकी गोली से तो नहीं, पर अमल की नफरत ने दिल दुखाया मेरा। नफरत? अमल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अस्लान, कहाँ तुम इसकी मोहब्बत में तड़प रही थी और अब नफरत? यार यू आर टू मूडी, तुम्हें कभी कोई नहीं समझा सकता। चुप करो। है? मैं कब से इससे बकवास कर रही हूँ, कब से इसकी मिन्नतें कर रही हूँ, लेकिन ये स्टूपिड सुन नहीं रहा है। अस्लान पागल, मैं सिर्फ तुम्हें आजमा रही थी तुम्हारी मोहब्बत को यार। अस्लान, इसीलिए तो ये कार्टून डाकुओं का सहारा लिया कि ताकि ये देख सके कि जब वो इसको लेके जाने की बात करे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन आता है। हाँ ना, फिल्मों में ऐसे होता ना, तभी बताओ कि वो लड़का अपनी जान तक गवा देता है लेकिन लड़की की आबरू पे। अफसोस की बात है, तुमने मेरे कहे को समझा ही नहीं। मेरी बेताबी, मेरी बेचैनी, मेरे खलूस को नहीं समझा, मेरे प्यार को नहीं पहचाना। अब इससे ज्यादा शर्मिंदगी बात और क्या हो सकती है। अज़लान, 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 नखरे नहीं दिखाओ ज्यादा, मुझे फजूल में शर्मिंदगी हो रही है। तो शर्मिंदा होना बनता है अमल, तुमने मेरी मोहब्बत का, मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया। यार चेक करना पड़ता है ना अजान, आजकल के लड़के हर दूसरी लड़की पे मर मिटते हैं, मोहब्बत का दावा करने लगते हैं। इसलिए मैं किसी फरेब में नहीं आना चाहती थी, ये ड्रामा इसलिए किया मैंने। अब नखरे नहीं दिखाओ प्लीज। तो ठीक है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मोहब्बत करती हो मुझसे? इकरार करोगी तो ही मारोगे। हाँ स्टूपिड, करती हो, इसीलिए तो ये सब किया है मैंने। क्यों नहीं समझ आ रही है तुम्हें? मुझे तुमसे मोहब्बत है। जब जब आजमाओगी ना मैं, तब तब इस आजमाइश में पूरा उतरूंगा मैं। I promise. जानती हूँ यकीन हो गया मुझे, इसकी दोबारा इम्तिहान नहीं लूंगी। अभी तो कहा के मान गए हो? हाँ तो फिर आइसक्रीम खाओगी? हाँ चलो। इकरार करने से कुछ नहीं होता, तो हमने भी किया था, ऐद व पैमा भी किए थे। क्या वो इधर मैं सिंगल, उधर उसका पता नहीं? असली मसला है इजहार भाई और आजर का। अब एक दिल जीतना है तो इजहार भाई का जीतो, ताकि आजर का पत्ता कट जाए। जीतो। नहीं तो हम खाम खाम में लुड़ियां डाल रहे हैं, अरबियों वाला डांस कर रहे हैं। अजान मसला तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से ना, हमें आजर अंकल के साथ वही करना चाहिए जो उन्होंने मेरे साथ और अमल के साथ किया। ओहो, तो सुहाने मौसम का आसरा दे के भाईजन को, कि भाईजन बड़ा रोमांटिक सा मौसम है, लॉन्ग ड्राइव पे चलें। भाईजन कहेंगे चलो बेटा, वो तुम्हें कुछ और समझेंगे। तुम भाईजन को जानते नहीं हो, बहुत वेल कनेक्टेड है, बहुत वेल कनेक्टेड है।
कुछ और सोचो, कुछ कुछ नया सोचो, कुछ नया। मामू मेरे ख्याल में बाप कुछ सोच ले। अरे आपने अपने लिए तो आप कुछ कर नहीं सके, अब इन दो सिंगल लोगों के लिए तो कुछ करना होगा ना हमें, वरना तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। आप तीनों से कुछ भी नहीं होगा, अब जो करना होगा ना मुझे करना होगा। ना 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 बेटा, दिमाग पर जोर नहीं डालने का। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम साइड करो, तुम सिर्फ मामला बिगाड़ती हो। हम सोच रहे हैं ना, हम करेंगे ना। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स, चिल चिल चिल, दिमाग पर जोर नहीं डालो। नहीं नहीं नहीं, आप सब ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया हुआ। अब देखें अमल का कमाल। अमल अमल, मैंने कहा था ना दिमाग से नहीं सोचना, दिमाग पे जोर नहीं डालना, बिल्कुल जोर नहीं डालना। मुझे चोट नहीं लगी? हाँ, नहीं लगी, सही है। प्लान ये है कि, हाँ प्लान क्या? कल सुबह, कल सुबह, कल सुबह तो मुझे कहीं जाना है, परसों। हेलो हनी बी, कैसे हो? ठीक, लेकिन आप कैसे हो? अच्छा मुझे ना बताओ, बस ये सुन लो कि मैंने तुम्हें ना एक बहुत इम्पोर्टेंट मजेदार खबर बताने के लिए फोन किया। हाँ यही खुशखबरी होगी ना कि मामू जान ने एक बार फिर मेरी और तुम्हारी शादी कराने का ऐलान कर दिया। हाँ तुम्हें किसका पता चला? क्योंकि वो साल में 1500 दफा यही काम करते हैं और तुम अपनी तरफ से खुशखबरी सुना के मुझे बोर करती है। और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा रुस्लान बताओ ना कब आ रहे हो। मैं मामू जान के ऑफिस में काम नहीं करता हूँ कि जब दिल चाह छुट्टी ली और शादी की रस्म तय करने के लिए पहुँच गया। How sweet अजलान, वैसे लगता है कि तुम्हें मामू के ऑफिस में काम करने का बहुत शौक है। अच्छा ये ना भूलना कि तुमने यहाँ वापस आकर ना सारे मैरिज हॉल मैनेज करने हैं। हाँ हाँ, शादी हॉल संभालने की तो डिग्री की है मैंने यूके से। अरे इजहार अंकल, अरे इजहार अंकल, इजहार अंकल क्या हुआ आपको? अरे आप नजदीक के क्लिनिक वाले चले। कोई इनकी मदद नहीं करेगा, मैं हूँ ना, मैं लेके जाऊंगा इनको हॉस्पिटल। जाओ जाओ, अल्लाह मियां ने मौका मुझे दिया अपने हाथ से। अरे अंकल आप आइए ना, आप चलिए 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 आइए, आप बैठिए, बैठे मैं आपको लेके चलता हूँ ना हॉस्पिटल। बैठे बैठे, अरे अंकल आप फिक्र ना करें। अंकल जब तक मैं जिंदा हूँ ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगा, बता रहा हूँ। शुक्र है खुदा का कि गहरी चोट नहीं आई, हम जल्द डिस्चार्ज कर देंगे आप। डॉक्टर साहब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, पेन है। देखा डॉक्टर साहब पेन हो रहा है, देखा आपने ना सही तरह चेकअप नहीं किया इनका, किस तरह रंग पीला पड़ गया है मेरे अंकल का। अरे कुछ तो खौफ करे, मुझे लग रहा है ना इनको इनको ब्लड की जरूरत है। डॉक्टर साहब आप एक काम करें, आप मेरा सारा का सारा खून ले लें, इनको बचा लें बस। लगता है फिल्में बहुत ज्यादा देखते हैं जी। मैं ठीक तरह से क्यों नहीं चेक करूंगी, आप जरा सोच समझ कर बात करें। सोच समझ कर, इनका हाल देखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आप प्लीज इनके लिए कुछ करें, मेरे अंकल हैं ये। मैं कह रहा हूँ आपसे, आप सारा का सारा खून ले ले मेरा। लगता है इनके साथ साथ आपका भी एक्सीडेंट हुआ है और दिमाग पर कोई गहरी चोट आई है, वरना नॉर्मल लोग ऐसी बातें नहीं करते। जज्बाती हो रहा है, आप चुप रहे हैं, आपको आप प्लीज चेकअप करें, बहुत बहुत दर्द हो रही है इनको। आप प्लीज बाहर जाएं, इन्हें रेस्ट करने दें, इनको ड्रिप लगी है, जैसे ही इनकी ड्रिप खत्म होगी हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। ये किस तरह का हॉस्पिटल, आप किस तरह डिस्चार्ज कर सकती हैं इनको? अरे कम से कम 3-4 दिन तो इनको यहाँ पे रखे, मुझे इनकी खिदमत करने का मौका दिया जाए प्लीज। लेकिन प्लीज आप बाहर जाएं, ऐसा ना कि मुझे आपको बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़े। स्टाफ प्लीज इन्हें बाहर ले जाइए। अजलान तुम बाहर जाओ, घर वालों को इतला भी दो, दर्द हो रहा है। अरे आपकी खिदमत करने में ये तो भूल ही गया, मेरे घर पे भी फोन करना, मैं करता हूँ। अब देखे ना ये ICU है, इधर कॉल करने की इजाजत नहीं होती, मैं बाहर जाता हूँ और मैं घर वालों को फोन करता हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आवाज, मैं इनसे कह दूंगा। प्लीज आप बाहर जाइए, ब्लड नहीं लेंगे आप लोग। नहीं आप बाहर जाइए प्लीज। Thank you.
आप यहाँ बैठी हैं, तो नाश्ता कौन बनाएगा? अरे बेटा, शादी के दूसरे दिन तो नाश्ता दुल्हन वालों के घर की तरफ से आता है। तो अब मुझे नाश्ते के लिए भी अपने ससुराल वालों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तुमने कितनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाया? क्या सोचेंगे तुम्हारे घर वाले कि सुल्तान अपने घर में अपनी बीवी और अपनी माँ को खाना नहीं खिला सकता? आंटी परेशान हो रही थी, मैंने इसीलिए मैसेज कर दिया। बस आज के बाद ऐसी फजूल हरकत दोबारा ना। दोबारा ना। दोबारा ना। दोबारा ना। दोबारा ना। दोबारा ना। सुल्तान बेटा, हम असरा को साथ ले जाएं? असरा आपके साथ नहीं। अगर तुम्हारे अब्बा जान को हिम्मत भी पड़ गई ना कि तुम और अजान एक दूसरे को पसंद करते हो, तो तुम्हारे सो कॉल्ड एजुकेटेड पापा जान एक जाहिल पहलवान से भी दो हाथ आगे बढ़ जाएंगे। तुम्हें अंदाजा नहीं है उनका, बहुत खतरनाक है वो। ये फोन आ रहा, उठाओ। हाँ हेलो अजान। अरे अमल, मुबारक हो, कुदरत ने हमारे मिलने का मौका फराहम कर दिया। तुम्हारे अब्बा का एक्सीडेंट हो गया। क्या चाचू? क्या हुआ? क्या हुआ? पापा का एक्सीडेंट। हाय अल्लाह खैर। या क्या हुआ अजान? हाँ कौन? अरे सिकंदर चाचू, कुछ नहीं हुआ, भी अमल को यही बता रहा हूँ कि अंकल बिल्कुल ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे उनके साथ। मामूली से खराचे ठीक हो जाएंगे, बस आप लोग ना यहाँ ना आकर मुझे नंबर बनाने के और उनकी खिदमत करने का मौका दे। बहुत सी दुआएं दूंगा आप लोगों को। भाईजान ठीक तो है ना? अरे मैंने कहा ना बिल्कुल ठीक है, मैं हूँ उनके पास। अभी डॉक्टर साहब से बात तो हुई है, मैंने कहा है 2-4 दिन उनको यहीं पे रख लें, बेशक डबल पैसे क्यों ना ले लें। अब देखें बात क्या बनती है। आप बस प्लीज अमल को संभाले। अच्छा एक काम करो, तुम उनकी खिदमत करो, ठीक है ना, और नंबर बढ़ाओ। ओके बाय। तो नहीं, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा, हम लोग चल रहे हैं। हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं भाई। हाँ हेलो हेलो, माशाल्लाह कितना चाको चौबंद और फुर्तीला नौजवान है। अंकल जरा देख रहे हैं, संभल कर बैठिए। या खुदा यार, इतना कोई खतरनाक एक्सीडेंट होने वाला था। जिस तरह बाइक के बाद अंकल लहराते हुए फुटपाथ की तरफ जा रहे थे ना, तोबा तोबा तोबा, सर पड़ सकता था, याददाश्त जा सकती थी। लेकिन शुक्र है मेरे मालिक का कि एक नेक फरिश्ते की तरह मैं वहां पे पहुंच गया और मैंने भी बस थाम लिया अपने अंकल को। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे। आमीन आमीन सुम आमीन। और फिर पता है आप सबको कि वहां से अंकल को हॉस्पिटल पहुंचाने वाला कौन था? कौन, कौन था? था कौन था? यही खाकसार था। और आंटी, जो हॉस्पिटल में मैंने अंकल की केयर की है, मैं कहता हूँ उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। और मैंने भी जिद कर दी डॉक्टरों के साथ, मैंने कहा मेरे खून की एक एक बूंद ले लो पर मेरे अंकल को बचा दो। उन्होंने कहा ये तो पहले ही बच गए, इनको क्या बचाना। अरे अंकल चुप रहे, खामोश रहे, डॉक्टरों ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है ना। अमल तुम इधर बैठे क्या कर रही हो? जाओ अंकल के लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ, मैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से अंकल को खिलाऊंगा। सुप्रिया सुप्रिया। अरे शुक्रिया बेटा, तुमने इतना एहसास किया मेरा। और एक तुम लोग, मैंने फोन करवाया अजलान से, लेकिन तुम दोनों को तौफीक दी कि जाकर देख भी लो। अरे मामू दरअसल बोला, दरअसल बात ये है कि एक इंतहाई जिम्मेदार, बुद्धबार, खुददार और बाकिरदार किस्म का अजलान वहाँ मौजूद था, जो ना झुकता है ना बिकता है, तो हमारी कमी इसने पूरी होने नहीं दी होगी कंफर्म। वैसे भी ना भाईजान, आपके इस हौलनाक हादसे का सुनने के बाद ऐसी कोई शदीद दर्द उठी है ना सिकंदर की टांग में कि मैं तो परेशान हो गई थी। मेरे घर के नमूने और उनके बहाने, पैसा ना मैंने संभाल लिया आंटी, फिक्र ना। पापा पापा ये सूप पीले पहले ही बना लिया था। अरे क्या करी हो ना समझ लड़की, सूप ले आई, इतना भारी, इतना बड़ा एक्सीडेंट करवा के आए हैं, अपने हाथ पे चोट लगी हुई है, मुझे तो मैं पिलाता। अंकल
मैं अपने हाथों से सूप पिलाऊंगा आपको। अज़लान बेटा, अरे नहीं नहीं अंकल, मैं हूं ना आपकी खिदमत करने के लिए, क्यों फिक्र करते हैं आप, ये लीजिए गर्मा गर्म सूप। अरे आराम से भाईजान का मुंह ना जल जाए। नहीं जला। कितने खुश नसीब है आप, आपको इतना अच्छा अटेंडेंट मिला और मुझे आप, और आपको मैं, है ना? ये बात तो है ना भाईजान, कितना बेगर्ज बेलौस मोहब्बत करने वाला कितना प्यारा बच्चा है ये। माशाल्लाह, मोहब्बत तो बहुत करता है और साथ में दोनों प्यारे भी तो लगते हैं ना। तो भाईजान के बच्चे की खुशी में आज होगी पार्टी। अच्छा, पार्टी में होगा समोसा जलेबी और म्यूजिक। म्यूजिक ये बॉय, यो 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 बॉय बच्चा। ओए दफा कर उस लोमड़ नू। ओ मैं तेनू कह रही हां, इस सारी चलाकियां ते उस मीसनी इसरा दा कसूर है, सारा उन्ने कीता। ओए की होया मेरे शहजादी को, रो क्यों रही है? रो रही नहीं है, उन्नू रुलाया गया है। ओ किसकी जुर्रत है कि मेरी शहजादी को रुलाए, और टांगे नहीं तोड़ दूंगा उसकी मैं। ओ जदों फोन कर दिया अज़लान नू, उन्नू टाल देंदा है, सारी शतुंगड़ी ना इसरा दी छंडी हुई, और चांदी नहीं अज़लान इत्थे आए। पागले, बस इतनी सी गल, फिक्र ही ना करो, उतर वो आएगा, सर के बल चल के आएगा। कदो? जल्दी आएगा, आप लोग ना बस तैयारी रखो। लेकिन डैडी, वो पुत्र आ जाएगा, कह रहा हूँ ना। एक गल याद रखी पुत्र, तेरा बाप ना अब कुश्ती नहीं लड़ता, लेकिन दो पेज सारे याद है मुझे। हैं? ले, मैं ते तैयार हैगी, ऐसे तो ज्यादा नहीं हो सकती। चल भाई तू भी तैयार हो जा, इस तरह ना फिर आकर मेरी तरह तैयार आकर और दे। अच्छा मैं तैयार हो जाऊंगी। हेलो, वैसे क्यों इतना तेज तेज चल रही हो? मुश्किल से 1.5-2 किलो की हो, अगर हवा उठा के ले गई तो मेरा क्या होगा? क्यूट। अच्छा तुम अभी जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ तुम्हारे रहना भी मुनासिब नहीं। क्यों, क्या मतलब? मैं तो कहीं जा रहा। वो अच्छा बस, वो मैंने आज़र को बताया था कि पापा का एक्सीडेंट हुआ है, उनका हाल पूछने आ रहा है। व्हाट, तुमने किसको क्या बताया? वो आज़र आ रहा है इधर, क्यों? एक तो तुम्हारा रोना फौरन शुरू हो जाता है। अच्छा बैठो बताती हूँ। मुझे नहीं सुनना। बैठो ना, बैठो। नहीं सुनना। कैसी हैं आप? मैं अजनबियों से बात नहीं करती। और आप अंदर क्यों गुस्सा है? मजाक कर रही हैं? आप ही ने तो मुझे फोन किया था अमल, पहचाना नहीं आपने मुझे? आपको तो मेरा नाम भी आता है, खतरनाक आदमी। अरे अमल, मैं आज़र, वो उस दिन मैं आया था ना आपके घर। मैं किसी आज़र को नहीं जानती, और आपकी आंखें कितनी खतरनाक हैं। अल्लाह तौबा माफी। मैं तो अंकल की खैरियत मालूम करने के लिए आया था, उनका एक्सीडेंट हो गया है ना? हाँ हुआ है, लेकिन आप इस बात पे मुस्कुरा क्यों रहे?
मैं मुस्कुरा तो नहीं रहा। नहीं, मैंने आपको देखा, आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं मुस्कुराया। मैंने आपको देखा, आप मुस्कुरा रहे हैं। अमल किधर हो? आज़र सहार, अरे क्या तुम पहचानते हो ना यार मुझे? क्या मैं उस दिन आया था ना यार, बताओ। नहीं नहीं, आप आए थे। अमल, आपको कितनी दफा मना करा है, आप प्लीज अपने कमरे में रहा करो, क्यों बाहर आई हो? वो तो ठीक है, पर टीटू किसी की नहीं सुनती। और आप इनसे क्यों हेलो हाय करें? इनको निकाले यहाँ से। अरे नहीं नहीं, हेलो हाय आज़र साहब है, पहचाना नहीं आपने? अरे आज़र साहब, क्या हुआ? क्या आपको इसकी बात का बुरा तो नहीं लगा ना? माइंड तो नहीं किया ना आपने? यार मैं तो हैरान हूँ। आप हैरान है यानी कि आपको बुरा नहीं लगा? अरे आज़र साहब, आपने दिल खुश कर दिया मेरा। थैंक यू सो मच। हमें ना अमल के लिए आपकी ही जैसे लड़की की जरूरत थी, एक कूल माइंडेड लड़की। पापा के एक्सीडेंट में मुस्कुरा रहे हैं। अरे खुदा की कसम, मैं नहीं आता। क्या तुम इधर आओ यार, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं आज़र साहब, बस मसला थोड़ा सा ये है कि दिन के 24 घंटों में ना एक दो घंटे के लिए इसका मीटर फ्यूज होता है, बाकी ये सेट है। वो होता कुछ ऐसा है कि ये कभी कभार ना अपने आप को बेचारी सिंड्रेला समझ के घर से रातों को बाहर चली जाती है, और कभी कभी जो है ना ये हमें अपनी दादी समझकर हम सब की पिटाई कर देती है, और सबसे खतरनाक बात तो तब होती है जब ये अपने आप को डाकू रानी समझकर हम पे धावा बोल देती है। हाँ, और वो भी बताओ, वो जब मैंने पूरे दो घंटे इसको धूप में मुर्गा बनाया था। अरे घर की बात यार जी, मतलब इसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। इतना बड़ा धोखा यार, इतना बड़ा फरेब। आप अंदर आइए ना, अंदर चल के बात। ये अंदर क्यों चले? कहा ना कि 24 घंटों में एक दो घंटे का मसला है, बाकी तो ये आपके घंटों में इतनी इज्जत करेगी जिसके आप काबिल ही नहीं हो। भाने की इज्जत यार, देखो ये रिश्ता, मैं इस रिश्ते को अभी खत्म कर रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे रिश्ता खत्म कर रहे हो यार? अब जबानी गुलामी थोड़ी रिश्ता खत्म हो सकता है। मोबाइल फोन है आपके पास? हाँ है, तो निकालो। क्यों भाई? अंकल को मैसेज करो, बताओ कि आप रिश्ता तोड़ो। वो मैं कर दूंगा। अरे नहीं, अरे मुझे अभी जाने दो। अरे मुझे तो जाने दो। स्वादिका थाई सूप भाईजान सूप, आप पी भी लेना, ऐसी क्या जिद है? आपने तो जिद में बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया है। आपकी जगह अगर ताबी इतना जिद कर रहा होता ना, मैं दो थप्पड़ लगाती, एक इस काल पर और एक इस काल पर। ताबी को जब से मेरे अजीम भाईजान बीमार हुए तो लोग दूर दूर से पुरसा करने के लिए अयादत करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन नहीं आया तो वो इनका चहीता आज़र लंदन पलट नहीं आया। भाई कॉल ही कर देता, हालांकि सबसे पहले भाजी मैंने उसे कॉल करके बताया था कि भाईजान बीमार है, लेकिन नहीं कॉल आई। उसके बरक्स अजलान को देखो, अपने कानों से मैंने सुना है, अपनी आंखों से देखा है, सजदे में गिरकर रो रो कर भाईजान की सेहत की दुआएं मांगा। भाजी मैंने खुद आवाज सुनी है, घर से बाहर तक आवाज आ रही थी बकायदा। लो भाई आ गया आज़र का मैसेज। तुम लोग भी कहानियां बना लेते बस। नहीं भाई, शैतान क्या सोचा, शैतान हाजिर। घर के अकलौते दामाद को कोई बुरा नहीं कहेगा। इतनी बुरी बुरी शक्लें तो आप दवा लेते हुए भी नहीं बनाते, क्या हुआ? नाहंजार, अहमक, नौदौलतिया, मेरे सामने होता ना मैं मजा चखा देता इसको। भाई जान, ये सेकंड के 18वें हिस्से में आपकी राय कैसे तब्दील होगी? अरे पढ़ो क्या लिखा उसने, नाहंजार। ओह माय गॉड, तेरे ख्वाब तो नहीं दिख रहा, इस तरह भला कैसे हो सकता है? आ जाओ ख्वाबों से बाहर, यही है दुनिया की हकीकत, और इसके मैसेज की वजह से ना इसकी औकात सामने आ गई। अरे मुझे भी तो कोई बताए ना, क्या बात हुई, क्या औकात सामने आ गई? बाजी आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज है, बल्कि हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है, उस नौदौलतिया ने हमारी शहजादी के लिए इनकार कर दिया। है? हाँ। मेरा मतलब है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई वजह तो बताई होगी उसने। वजह क्या होनी है भाई, अकल पे पत्थर पड़ गए उसके। अच्छा ये इलीगल है, ये इलीगल हुआ कंफर्म। हाय मेरी बच्ची, उसके नसीब में ही नहीं था लंदन जाना, लंदन की सहर ही नहीं लिखी उसकी किस्मत में। कोई अफसोस नहीं करेगा इस बात पर, जो होना था हो गया, अच्छा हो गया बस।
बेचारी। कोई मुझे भी बताए, हुआ क्या है? अमल पिता, वो आजर ने ना तुमसे शादी करने से इनकार कर दी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो उसे इतने प्यार से, मतलब इज्जत से मिली थी। बेटा उसने कहा है कि वो तुम जैसी मेंटली अनस्टेबल लड़के से शादी नहीं कर सकते। उसने ये भी कहा था कि वो इस फ्रॉड फैमिली को एक्सपोज कर देगा। क्या कह रहे हो तुम? नहीं बताया ना आगे, वो कहा था। लिख दिया उसने, चुप कर जाओ। हाउ डेयर ही, आई मीन हाउ डेयर ही। मेरे सामने आ जाएगा ना अंकल तो हड्डी पसली एक कर दूंगा उसकी। अरे ये क्या बात हुई, हमारे घर की लड़की थोड़ी सी खिसकी भी क्या है तो आप अंग्रेजी में कुछ भी लिख दोगे। खिसकी भी किसको बोला आपने? नहीं मेरा मतलब है भोली सी लड़की। लेकिन अंकल आपको ना इस तरह से मैसेज नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब अपनी हालत देखिए आप, इतनी मुश्किलों से आपकी जान बचाई है, कितने कमजोर हो गए हैं आप। खुदा ना खास्ता अगर हार्ट फेल हो जाता तो मैं तुम्हारा हार्ट फेल करवा देती। अब फूफो देखे उसका सारा का सारा गुस्सा ना ये मुझ पे निकाल रही, ये ठीक बात नहीं। मैं बता रहा हूँ सदमे में है। अमल बेटा वो लड़का तो कभी तुम्हारे काबिल था ही नहीं। भाड़ में जाए पापा। छोड़ो बेटा, ऐसे फजूलों के जाने का दुख नहीं करते, लानत भेजो उस पे। ठीक कह रहे भाई, खुशी की इस मौके पे। अब मैं इस मौके पे सूप गरम कर रहा हूँ, गरम है। बस बस कर दो बेटा। तो फिर ठीक है आके? हाँ मैं ठीक हूँ। भाईजान तू नया रिश्ता तलाश कर, इसके सर पे तो बर्फ रखो कोई। अंकल वो आपको पार्क लेके चलूंगा। भाईजान सूप। क्या हो गया, किस बात की खुशी है? अमल के रिश्ता टूटने की? यार मुझे तो पता ही क्या लगता है कि हमारे इस घर में ना कोई आसेब का साया है। पूछो कैसे? कैसे? वो खुद भी कवारा और हमारी भी शादियां नहीं होने दे रहा। मेरा भाई हमेशा दूर की कोड़ी लाता है। चाचू आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि मेरे आशिकी के जमाने में अगर अमल बड़ी होती तो मेरे लिए भी कुछ रास्ते ढूंढ लेती, मेरी कहानी की एंडिंग भी ट्रेजिक ना होती। काश। चाचू वैसे बात तो सैड होने वाली है, लेकिन एक बात बताएं, आपने कभी उनको ढूंढने की जहमत क्यों नहीं की? बेटा अगर वो शहर में होती ना तो वो टांग की हड्डी जुड़ने के बाद सीधा चुबारे की छत पे जाता, जहां पे हम हर शाम मिला करते थे, हर शाम। लेकिन तो वो खबीज भाई ना सिर्फ घर छोड़ गया बल्कि शहर भी छोड़ गया। ओहो मामू, जो हुआ सो हुआ, अब जाने भी दे, मूव ऑन करने का जमाना है। आप भी ना, मैं तो कहता हूँ फिर से मोहब्बत करके देख लें। और आप जैसों के लिए तो अब तो बहुत सारी एप्स भी आ गई हैं। बेटा मोहब्बत बार बार नहीं, एक बार होती है, बार बार तो दिल पिशोरी होती जो तुम रोजाना करते हो फोन पे। सब पता है मुझे, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। वैसे चाचू ना कभी कभार बहुत गहरी बात कर देते, काश कुछ कर पाता है इनके लिए। चलो कोई नहीं, हमने अपने लिए तो कर लिया ना। खींचे मेरी व्हीलचेयर को। चाचू मैं आया। रोज कहता हूँ भूल जाऊं तुझे, रोज ये बात भूल जाता। पता है इस तकलीफ और बीमारी में भाई कमी ज्यादा महसूस होती है। तुमने भी जाने में जल्दी की और जिंदगी को बेरंग कर दिया मेरी। मामा को याद कर रहे हैं? उदास अच्छे नहीं लगते पापा, खुश आ करें बस। उदास नहीं हूं अमल, सारी यादें उदास होने के लिए नहीं होती, ये हल्का पुल्का कर देती हैं आपको। मैं तो मामा की तस्वीर से बात करता हूँ रोजाना तो रिलैक्स हो जाता हूँ। ये तो अच्छी बात है, चले अब ये सेब खाया। मेरी बात सुनो, ये
इतनी छोटी सी चोट पे तुम लोगों ने तो मुझे खाने पीने की मशीन बना दी है, मतलब हर वक्त ठूस रहे हो कुछ ना कुछ। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं आप जल्दी से फिट हो जाए और पहले की तरह हम पर रोब झाड़ें। रोब नहीं है वो अमल, जानती हूँ प्यार है आपका हमारे लिए। आपकी बेटी हूँ, मुझसे ज्यादा आपको कौन जानता होगा। हाँ, अमल से ज्यादा तो हमें कोई नहीं जानता ये, बल्कि तुम भी खाओ ना कुछ, तुम्हें भी पता लगे। और मैं भी खा लूं। मेरे बच्चे दास नहीं हूं मैं। अच्छा बाजी, नमक जो दे दे, खाना बनाना नहीं आता। एक अकेली मेरी जान और सारे घर के कामों का बोझ मेरे नाजुक कंधों पर, किस किस को देखूं मैं? मुझे ना देखे प्लीज, खुदा के वास्ते। इसके मैं और बहुत लोग उनको देखे बाजी, सबको देखे, मुझे ना देखे, खाना खाने दे। सिकंदर, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई बहन का एहसास होता है। तुमको पता है सारे रिश्तेदार और अजीज मेरे बारे में क्या कहते हैं? वो देखो, ये है वो ड्रामेबाज साजिशी बहन जो भाइयों की जायदाद हथियाने की वजह से उनकी शादियां नहीं करवा रही। ओहो, साजिश, साजिश तो हो रही है। नहीं, आप क्या चाहती हैं कि रिश्तेदारों का मैं ओपिनियन चेंज कर दूं आपके बारे में, अपनी शादी करके आप मुझे कुर्बानी का बकरा बना रही है बाजी? नहीं बाजी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बहुत ही बावफा किस्म का मर्द हूँ, मैं हमेशा आखिर तक, मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने इश्क के गुमशुदा की हिफाजत करूंगा, हिफाजत। थैंक यू। वाह चाचू, थैंक यू, दिल खुश कर दिया। इसे कहते हैं असली इश्क। खामोश हो जाओ, बड़ी आई आशिकों की सरदार। गुलाबो जाको देखो कौन आया है। कौन आया है? तो सब आते रहते हैं इस घर, है ना, सबके लिए। हाय अल्लाह, मेरी कमर रह गई और तुम लोगों को खाने की पड़ी हुई है। ये जब तक भाईजान सेहतयाब नहीं हो जाते ना, ये आने जाने का तांता लगा रहेगा, लोग आते रहेंगे और मुझे सारे काम करने पड़ेंगे। कभी खाना सर्व करना है, कभी चाय बनवानी है, कभी कोल्ड ड्रिंक सर्व करने, मतलब ऊपर से ये खुश इखलाकी का मुजाहरा करते करते तो मेरे जबड़े दुखने लग गए। नमक थोड़ा तेज ना? बहुत तेज है। मिस नमकीन, जब कोई मेहमान आते हैं ना, तुम जाकर अपने कमरे में छुप जाती हो, और तुम तो हो ही ना काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। और रह गया ताबी, उसे तो मुझे वैसे कोई उम्मीद नहीं है। फिर कौन है? मैं संभालूं, मैं देखूं, मैं सब कुछ करूं, मैं पालूं की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शर्मा? अजलान बता रहा था कि इजहार साहब का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उन्हीं को देखने आई थी। मैंने भी आपको बताया था, मगर आपको मेरा नाम याद नहीं है। आप आने में थोड़ी सी लेट हो गए, पापा तो चंगे भले हो गए, बताए ना पप्पो। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनसे मिल सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं आपको उनके कमरे में ले जाती हूँ। दरअसल वो बेड रेस्ट पे है ना, तो इसलिए बेचारे लेटे लेटे बिल्कुल बोर हो जाते हैं। आपकी कंपनी मिलेगी तो उनका दिल बहल जाएगा। आइए ना, प्लीज आइए आइए, हटो रास्ते से भाई। ये फल भी ले, आइए आकर ले लेंगे। आइए 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 जी, थैंक यू। तुझे क्या जरूरत है पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटी है? चाचू मैं बता रही हूँ, पूरे मोहल्ले में पीटती है पूरा दिन। मुझे क्यों डांट रही है? मैंने बताया उन्हें याद कब था? वो तो अजलान साहब के कहने पर आई थी। चाचू मैं बता रही हूँ, इस अजलान को छोड़ूंगी नहीं मैं। अमल, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, रिलैक्स, चिल। चाचू आपका दिमाग तो काम करता नहीं, कभी कभी आपकी आंखें भी नहीं काम करती। आपने देखा नहीं किस तरह से पप्पू की आंखें चमक रही थी? मैं आपको बता रही हूँ, पूरा इरादा है मेरे बाबा की सेटिंग करवाने का इस औरत के साथ। You mean to say कि शमा बगैर परवाने के घर में क्या करें? ये लेके जाओ चापलूसी का टोकरा अंदर। फ्रिज में रखो, ठंडे हो जाएंगे तो खाएंगे। नमक बहुत तेज है। फिर भी देखो चले है, चले है, चले है, चले है, दुनिया ये मेरी।